मुबारक है मिस्टर मुर्तजा, आपकी बीवी उम्मीद से हैं। टाइम फॉर सेलिब्रेशन गाइस, कांग्रेचुलेशन, हमारा प्लान अपने सेकंड स्टेज पे पहुंच गया। सब कुछ आपके प्लान के मुताबिक हो तो गया, अब मैं मुर्तजा की बीवी हूँ और हम दोनों एक दूसरे के लिए नामहरम। मैं बहुत मशकूर हूँ आप लोगों ने शिरकत करके हमारी इस खुशी को दुबाला किया। क्या हुआ, क्या आप लोगों के यहाँ इस किस्म की अनाउंसमेंट्स के बाद तालियां नहीं बजाई जाती? फिर ये बेबी शावर मुझसे कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है? भाई ये कौन है? सोफी जानसेव की पहली बीवी। कंग्रेचुलेशन स्वीट हार्ट, आप बाप बन गए और मुझे बताए। दैट्स नॉट वेरी नाइस ऑफ यू। पहले ही सही, लेकिन बीवी तो हूं ना तुम्हारी। सोफी अभी सारे गेस्ट बैठे हुए, मैं तुमसे आराम से बात करता हूँ। जासिब तुम्हें लगता है कि मैं टर्की से ऑल द वे तुमसे यहां बात करने आई ताकि तुम मुझे एक और झूठ सुना सको? सोफी आई एम सॉरी, लेकिन अब तुम जहांजेब की एक्स वाइफ हो। हाय, भाई मैं तो समझी थी कि ऐसे ड्रामे तो हमारे मोहल्लों में होते हैं खाली, और हमारे घर की एक अहम तकरीब खराब कर रही हो तुम। अफशान, विद ड्यू रिस्पेक्ट, मैं जहां जेब की एक्स वाइफ नहीं बल्कि अभी भी वाइफ हूं। जहां जेब ये क्या कह रही है? जहां जेब क्या ये ठीक कह रही है? और सोफी, जहांजेब ने दूसरी शादी क्यों की है, इस सवाल का जवाब तुम्हें ये तकरीब बता रही होगी। क्या ये तकरीब वाकई मेरे हर सवाल का जवाब बता रही है जहांजेब? Really? क्या तुम्हारी दूसरी बीवी वाकई प्रेग्नेंट है? मैं तो अब तक इस बात पर हैरान हूं कि तुमने शादी भी कर ली और तुम्हारी बीवी एक्सपेक्ट भी करना शुरू हो गई। सब कुछ बहुत जल्दी नहीं हुआ? मैंने कुछ पूछा है जहां से सच बताने की ताकत नहीं है तुम्हें, या सच इस काबिल नहीं है कि तुम बता भी सको? जहां से मैं सोच रही थी कि क्योंकि हमारी औलाद नहीं है तो मेरी खुशी के लिए मुझसे दूर हुए, मेरी तरह रातों को जागते होगे और रोते होगे और एक दिन वापस आ जाओगे, लेकिन तुम तो मुझे भूलकर यहां अपनी नई दुनिया बसा बैठे। तुम्हारे बच्चे की सेलिब्रेशंस हो रही है, क्या मेरे साथ जो जिंदगी गुजारी वो सब झूठ थी? आज के बाद कोई झूठ नहीं रहेगा हमारे दरमियान। आज तुम मुझे मेरे सारे सवालों के जवाब दोगे, वरना ये जवाब मुझे तुम्हारी अम्मी से लेने होंगे। जहांजेब, आपको नूर अम्मी बुला रही हैं।
याद रखना जहां से मैं अपने सारे सवाल के जवाब लिए इस घर से नहीं जाऊंगी। कमाल है सोफी, मैंने आपको इतनी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दी और आपने मुझे थैंक यू तक ना बोला। क्या मैं इस मेहरबानी की वजह जान सकती हूँ? बस इसलिए क्योंकि आफरीन ने आपकी जगह छीनी और मैं चाहती हूँ कि आपके झांसे आपकी जिंदगी में वापस आ जाए। चले हाथ मिलाएं और हम मिलके आफरीन को जहाजेब की जिंदगी से बाहर निकालते हैं। मुझे जहाजेब को हासिल करने के लिए किसी का हाथ मिलाने की जरूरत नहीं, वो पहले से ही मेरा है। अच्छा, तो आप अभी तक ये समझती हैं कि जहाजेब अब तक आपके हैं? आज तक हमारे खानदान की इतनी बेइज्जती कभी नहीं हुई। खानदान की इज्जत को मजाक बना रखा है तुमने, और सूफी को तुमने तलाक नहीं दी। वो तुम्हारी दूसरी शादी पर सवाल कैसे कर सकती है? क्या वो भूल गई कि वो कभी मां नहीं बन सकती? मुझे जवाब दो जहांजेब। क्योंकि सूफी नहीं जानती कि वो मां नहीं बन सकती है। मैंने उससे इसलिए छुपाई ताकि उसका दिल ना टूटे। नहीं चाहता था उसे तकलीफ हो। अच्छा, तो फिर उसे तलाक देते वक्त क्या कहा कि बस तुम्हारा दिल भर गया उससे? For God's sake, अफशान, मैं ऑलरेडी बहुत टेंशन में हूँ। तुम टेंशन में हो? तुम्हारी वजह से पूरा खानदान टेंशन में, आफरीन टेंशन में क्योंकि उसकी गोद भराई के वक्त तुम्हारी पहली बीवी यहां पहुंची। क्या मैं टेंशन में नहीं था? मैं तो दूसरी शादी के हक में ही नहीं था। ये तो मैंने आपकी वजह से की है। इंटरेस्टेड नहीं थे, लेकिन जब तुम पे प्रेशर डाला गया तो करूंगा तो आफरीन से ही शादी करूंगा वरना नहीं, तुम्हारे ही अल्फाज थे ना। खामोश। जो कुछ भी हो गया उसे तो अब बदला नहीं जा सकता, लेकिन जहांजेब, सूफी की अब तुम्हारी जिंदगी में कोई गुंजाइश नहीं है। ठीक है, सूफी को समझाने में थोड़ा वक्त लगेगा। तुमने क्या करना है ये मैं तुम्हें बता चुकी हूं, कैसे करना है ये तुम जानो। लेकिन अगर तुमने आफरीन के साथ जरा सी भी ज्यादती करने की कोशिश की या ये सोचा कि उसका कोई नहीं है, तो मैं ये भूल जाऊंगी कि मैं तुम्हारी कौन हूं। अब जाओ, सोफी के कहीं रहने का बंदोबस्त करो, इस घर से बाहर। नूरम्मी, सोफी जहांजेब के कमरे में ही रहेगी। आफरीन, सोफी को अपनी जगह देने की कोई जरूरत नहीं है। ये जगह तो पहले भी सोफी की थी अफशां भी, और अगर सोफी मां नहीं बन सकती तो उसमें सोफी का तो कोई कसूर नहीं। नूरम्मी, जहांजेब की मुझसे शादी भी सोफी के लिए इतना ही बड़ा शौक था जितना हमारे लिए उसका यहां आना। हम कुछ भी करें पर हम इस बात को नहीं झुटला सकते कि वो अब भी आपकी बड़ी बहू है। आफरीन, तुम्हारा हर कदम मेरा सर फखर से बुलंद कर देता है। बेटा, ख्याल रखना, ऐसा ना हो कि तुम्हारा ये कदम तुम्हारे पैरों के नीचे से जमीन खींच ले। बिल्कुल ठीक किया तुमने। क्या अच्छा किया जहांजेब हमारे निकाह के रिश्ते को सीरियस ही नहीं ले रहे।
इससे क्या फर्क पड़ता है? जिससे निकाह हुआ है उसको देखो कि वो कितना सीरियस है। क्या हो गया? शादी से पहले देखकर तो बड़ा मुस्कुराया करती थी। अफीम, तुमने जो कुछ भी नूरम्मी के लिए किया है सही औलाद भी नहीं करती है। अभी कुदरत का फैसला है कि तुम्हारी इतनी कुर्बानियों के बावजूद भी कुदरत को यह नामंजूर था, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। मुर्तजा, हम नूर अम्मी, अफशां, किंजा, इस घर के सब लोगों को धोखा दे रहे हैं। क्या कोई भी वजह इस धोखे को जस्टिफाई कर सकती है? मेरा दिल इस बोझ को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। ये बोझ तुम्हारा नहीं है, जिसने प्लान बनाया है वही बर्दाश्त करेगा। और किंजा तो तुम्हारी बीवी है ना, क्या मैंने उसके हक पर डाका नहीं डाला? किंजा को मुझसे इस घर से कोई ताल्लुक नहीं, उसको सिर्फ दौलत चाहिए और जो हो रहा है वो नसीब में लिखा है। फिर भी मुझे डर लग रहा है मुर्तजा। सच बोलूं तो मेरा दिल चाहता है कि एक बार जाके सबके सामने ऐलान कर दूं और फिर जो होना है वो देख ले जाए और बस हम दोनों कहीं दूर चले जाएं, कहीं दूर जाकर अपनी एक नई दुनिया बसा लें, जहां कोई भी गम तुम्हारे नजदीक भी ना सके, जहां सिर्फ तुम्हारी आंखों में चमक हो और तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान हो, जहां सिर्फ तुम्हारी खिलखिलाती हंसी की आवाज गूंजे। जब हम अपने घर जाएंगे ना तो ये सारे वादे याद रखना। याद रखूंगा। किंजा कॉल कर रही है, मैं देखकर आता हूं क्या कहती है। आप जब से वापस आए हैं आपके पास मेरे लिए 5 मिनट भी नहीं है ना। आप मेरी तबीयत पूछते हैं ना, आपको घर में होने वाली किसी खुशी का एहसास है, होते कहाँ हैं आप? I'm sorry, कामों में ज्यादा बिजी हो गए थे। कामों में बिजी होने से प्रॉब्लम नहीं है मुझे। लेकिन औरों के काम करने की आपको जरूरत नहीं है। और आपने अभी तक मेरे क्रेडिट कार्ड का बिल क्यों नहीं पे किया? कल मैं अम्मी के साथ शॉपिंग पे गई हूँ और वहां जाके मेरा कार्ड चार्ज नहीं हुआ। पता है कितनी एम्बैरेसिंग सिचुएशन थी मेरे लिए। आज बिल पे कर दूंगा, लेकिन फिलहाल तुम एक काम करो, ये दूसरा कार्ड रखना। थैंक यू। मैं अपने लिए कॉफी बनाने जा रही थी, आपके लिए बनाऊं? नो थैंक्स। ओके। आफरीन देखती जाओ मैं तुम्हारे साथ क्या क्या करती हूँ, अभी तो शुरुआत है। मुंह खोलो जल्दी से। रुस्लिए भाई, क्या कमाल किया तुमने, मतलब आफरीन को उसी के कमरे से निकाल दिया। अभी देख के आ रही हूँ, स्टडी में पड़ी सड़ रही है। यकीन करो मेरे तो करेजे में ना ठंडक पड़ गई है। अभी तो शुरुआत है, आफरीन को पहले तो उसके वही क्वार्टर्स में भिजवाना है जहां से वो आई है और उसके बाद इस घर से बाहर निकलवाना है। मेरा ये काम करती है ना तुम्हें, जो मांगोगी मिलेगा। मुर्तजा के साथ जब देखो खिलखिला के हंस रही होती है ना, यकीन करो मेरा तो खून जल जाता है। वैसे तुम्हें एक बात बताओ, ये सोफी भी कोई कम बला नहीं लगती, बड़ी तेज है। सोफी जैसी भी है हमारे लिए फायदेमंद है। वो तो है। नूर अम्मी,
आपने मुझे बुलाया? हाँ आफरीन, वो मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। मेरा ख्याल था तुम मेरे कमरे में आ जाओगी। मैं स्टडी में ही ठीक हूँ, वैसे भी कुछ दिनों की ये तो बात है। काश मुझे इल्म होता कि जहांजेब की तलाक नहीं हुई। नूर अम्मी, सोफी के बारे में तो जहांजेब को भी नहीं पता था, आप खुद को कसूरवार क्यों ठहरा रही हैं? नहीं बेटा, तुम जितना मर्जी झुठला लो, तुमने आंखें बंद करके मुझ पे एतबार किया था तो ये मेरी जिम्मेदारी थी और मैं अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा सकी। आप क्यों ऐसी बातें कर रही हैं? आपने हमेशा मुझे माँ से बढ़कर प्यार दिया, जो भी किया मेरी बेहतरी के लिए किया। आप प्लीज ये सब सोच के अपनी तबीयत खराब मत करें। तुम कुछ भी कहो, मुझे उस वक्त तक सुकून नहीं आएगा जब तक तुम दिल से खुश नहीं होगी। मैं तुम्हारे कदमों की आहट तक महसूस कर लेती हूँ, लेकिन तुम इतना अरसा मुझसे झूठ बोलते रहे, मुझे भिनक भी ना लगने दी। मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था। क्या फायदा हुआ है सबका? सच तो सामने आ ही गया ना। अफशा मुझे ये बताने आई थी कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते, लेकिन ये बता गई कि तुमसे ज्यादा किसी ने मुझे प्यार नहीं किया। अफशा ने मुझे सच बता दिया जहां से। दरहकीकत कमी मुझ में थी, तुम में नहीं। और मेरा दिल ना टूटे इसलिए तुमने सारा इल्जाम अपने सर पर ले लिया। मेरी इतनी बड़ी खामी के बावजूद मुझे मेरी नजरों में कम नहीं होने दिया। I'm sorry, जासी, मैं तुम्हें खुशी नहीं दे सकी। तुम रिपोर्ट्स बदलवाते रहे, क्या क्या किया तुमने मेरे लिए। तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता, तुम्हें पता है। इतनी मोहब्बत थी तो छोड़कर क्यों आ? क्योंकि मैं चाहता था तुम्हें कभी भी अपनी कमी का एहसास ना। तुमने बिल्कुल ठीक किया दूसरी शादी करके, मैं तुम्हारी जिंदगी से दूर चली जाऊंगी। आई प्रॉमिस, प्लीज प्लीज मुझ पर एक करम और कर दो। अपनी औलाद तो मेरे नसीब में नहीं है। मैं कुछ देर तुम्हारी औलाद को अपने हाथों से खिलाना चाहती हूं। प्लीज जान से। Please.
क्या बात है रफी जानू, मेरे पास वापस आकर तुम इतना खुश हो? भाई ये तो तुम्हारी खुशफहमी है, ऐसी तो कोई बात नहीं। कोई तो बात है जिसकी वजह से तुम इतना खुश हो? हाँ एक वजह तो है, लेकिन तुम्हें नहीं बताऊंगी। इफी इतना तो पराया मत करो, मेरी जिंदगी की सबसे इंपॉर्टेंट बात है और मेरा बहुत दिल चाह रहा है तुम्हें बताने को, लेकिन अभी नहीं बताऊंगी। इफी मैं बता रहा हूँ, अगर तुम मुझे नहीं बताओगी ना मैं नाराज होकर चले जाऊंगा। हाँ तो जाओ, रोका किसने है? मैं चले जाऊंगा, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। बाय बाय। ठीक है बाय। पागल। क्या हुआ, सोफी ने तुमसे बात की? देखो तुम सोफी को कुछ मत बताना, पता नहीं कैसे लेकिन मैं सब कुछ कवर कर लूंगा। ये जो फरेब की दलदल आपने तैयार की है ना, मुझे डर है कि इसमें आपके साथ साथ इस घर का एक एक फर्द धंसता चला जाएगा। लेकिन अफसोस सच फिर भी कभी ना कभी सबके सामने आ ही जाएगा। जाए, आपकी बीवी आपका इंतजार कर रही होगी। मेरी बीवी को देखा? मिल ले रही है कल से। मुर्तजा तुम पागल तो नहीं? कमाल है, अब पागल करने वाला खुद ये पूछेगा तो बंदा कहाँ जाएगा। मुर्तजा तुम पागल तो नहीं हो गए? किसी ने अगर देख लिया तो कितनी बदनामी होगी। कभी कभी तो दिल चाहता है कि खुद को तुम्हारे साथ इतना बदनाम कर लूं कि मेरा नाम सिर्फ तुम्हारे नाम के साथ। एक तो ये तुम्हारे अंदर का जो मजनू है ना, बड़े ही बुरे वक्त पर जागता है। सच कह रही हूँ, अगर किसी ने देख लिया तो बहुत सारे दिल टूट जाएंगे और इतने दिल तोड़ने की हिम्मत नहीं है मुझमें। अच्छा तो सारी हिम्मत सिर्फ एक हमारा ही दिल तोड़ने के लिए जमा कर रखी है। लेकिन ये दिल है कि बार बार उसके हाथों टूटने के बावजूद भी सिर्फ उसके लिए धड़कता है। हमारे इश्क की हकीकत तो सिर्फ हम ही जानते हैं, नूर अम्मी, किंजा, अफशां आपी, उन सब के लिए तो ये एक बहुत बड़ा धोखा होगा ना। और अगर उनकी नजर से देखो तो हमारा इश्क नाजायज है। हर इश्क किसी न किसी की नजर में नाजायज ही होता, मगर इश्क तो इश्क और इश्क जायज होता। मुझे कभी कभी ना बहुत डर लगता है। तुम्हें डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं, मेरा वादा याद है ना तुम्हें, मेरा सब कुछ बस तुम। क्या हो रहा है? किंजा, किंजा मेरी बात सुनो। कहने के लिए अब बचा ही क्या है? क्या हुआ किंजा? ये आप मुर्तजा से पूछे और आप रीन को समझाए कि अपने शोहर को छोड़ के मेरे शोहर को क्यों टाइम देती रहती है। माइंड योर लैंग्वेज, क्या कह रही हो तुम? आप ही मुर्तजा के पास मेरे लिए तो कोई टाइम नहीं है, लेकिन ये आफरीन का हाथ पकड़ के छुप छुप के उससे बातें कर रहा था। मैंने पहली बार आफरीन का हाथ पकड़ा है। एक दूसरे के साथ खेल कूद कर बड़े हुए हम दोनों, बचपन की दोस्ती है हम दोनों की। दोस्ती और दिल लगी में एक छोटी सी लकीर का फर्क होता है और वो लकीर चाक से नहीं खींची जाती।
किंजर तुम्हें अपने सोचने का तरीका बदलना। शोहर को कोई दूसरी औरत किस निगाह से देख रही होती है, ये एक बीवी अच्छी तरह से समझती है। किंजा जानजीब भाई, मैं मुर्तजा और आफरीन को बचपन से जानता हूँ, खबरदार इनके बारे में तुमने आइंदा कोई सर की बात की। जॉब दे कमरे में। मुर्तजा तुम बच्चे नहीं रहे, ख्याल रखा करो। इतने महीनों बाद तुम घर आए, योर वाइफ नीड्स योर टाइम। किंजा तुम पागल हो गई हो, तो खुलेआम आफरीन पे क्यों वार कर रही हो? तुम्हें भी मेरा यकीन नहीं है ना, तुम्हें आएगा भी क्यों? तुम्हारा तो भाई है, ऑब्वियसली वही सही होगा। मुर्तजा सही हो या गलत, उससे ज्यादा जरूरी है कि आफरीन गलत हो। बस मैं और कुछ सुनना भी नहीं चाहती हूं, लेकिन जो आज बेवकूफी तुमने की है ना, उससे बदनामी के सिवा कुछ नहीं हासिल होगा। कौन यकीन करेगा तुम्हारा? तो क्या करूं, मर जाऊं या खामोशी से बैठ के ये सारा तमाशा देखती रहूं? शोर शराबे से हमेशा शिकार भाग जाया करता है। शिकार करने के लिए खामोश रहना बहुत जरूरी होता है। मतलब अगली बार नूर अम्मी या अफशाबाजी को लेकर मौके पर पहुंच जाना, फिर देखते हैं आंखों देखा कौन झुटलाएगा। ये तुम दोनों क्या कर रहे हो, क्या लगा रख रहे हैं? वो आफरीन की आंख में वो चला गया था तो आई डोंट केयर मुर्तजा, अगर कोई प्रॉब्लम था तो सीधा उसको नूर अम्मी के पास लेके जाते। तुम जानते हो ना कितनी मुश्किल तक हम यहां तक पहुंचे, डोंट मेक इट डिफिकल्ट फॉर मी। कंट्रोल करो अपनी बीवी पे। तुम चाय लाऊं आपके लिए? अच्छा ना, आपकी वाइफ हूं, अब आप किसी के इतना क्लोज होंगे तो मुझे बुरा तो लगेगा ना। सॉरी। मेरी और आफरीन की दोस्ती के बारे में जानना है तो सानिया से पूछो। शुक्र है कि नूर अम्मी ने नहीं सुना, तो मैं अंदाजा नहीं है कि नूर अम्मी के कितने क्लोज है। अंदाजा है, इसीलिए तो उसको बहू बनाया है। अच्छा ना, इससे गलती होगी, मैंने नूर अम्मी की बहू के किरदार पे बात कर दी। अच्छा ना, मूड ठीक कर ले, हम कहीं डिनर पे बाहर चलते हैं। देखिए गलती आपकी भी तो है ना, आप मुझे टाइम ही नहीं देते। अच्छा तुम ठीक है, पहले तुम मगर एक कप चाय पिला दो मुझे, तो सोचते हैं इस बारे में। डाउन, आप रेडी हो जाए, मैं चाय लेके आती हूँ। सोफी को मैंने सच बता दिया और वो समझ भी गई है। वो वापस कब जा रही है? वो चाहती है कि एक बार मेरी औलाद को देख ले। उसने मुझसे कहा तो मैं उसे मना नहीं कर सका, लेकिन एक बात की गारंटी दे रहा हूं आपको, उसकी वजह से इस घर में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं सोफी के लिए नहीं आफरीन के लिए परेशान हूं, और गारंटी मुझे सोफी के लिए नहीं चाहिए।
आफरीन के लिए चाहिए कि सोफी की मौजूदगी में आफरीन को तुम कोई परेशानी नहीं दोगे। देखो जहांजेब, ये खुशी अल्लाह ताला ने मुझे बहुत अरसे बाद दिखाई है। तुम्हारी अब सारी तवज्जो अपनी बीवी और अपनी औलाद पर होनी चाहिए। उस सोफी की इस घर में कोई जगह नहीं है, उसे वापस जाने को। जब भी मैं तुम्हें हंसते मुस्कुराते देखता हूं, मुझे पुरानी वाली आफरीन याद आती है जो हर वक्त हंसती रहती थी, पूरे घर में शरारतें करती थी। आपको मेरे कमरे में ऐसे बगैर पूछे नहीं आना चाहिए। I'm sorry, लेकिन आफरीन ये जो कुछ भी हुआ, हमने ये नूर अम्मी के लिए कुर्बानी दी है दोनों ने, इसमें मेरी किसी किस्म की कोई रजामंदी शामिल नहीं थी। लेकिन तुम फिक्र क्यों कर रही हो? बहुत जल्द सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। जानजेब, जिस दिन आपने मुझे छोड़ा था ना, उस दिन आपने मेरी रूह समेत वापसी के सारे रास्ते जला दिए थे। Why are you being so over dramatic? It's okay, इस दुनिया में बहुत कुछ होता है। चलो दोस्ती ना सही, कम अज कम हम लोग पहले की तरह एक दूसरे के साथ सिविल तो रह सकते हैं ना। कोई रिश्ता नहीं रखना मुझे आपसे। नूर अम्मी की खुशी में कमी ना आए इसलिए मैं अपनी सच्चाई छुपा लूंगी, लेकिन इससे ज्यादा की उम्मीद मत रखिएगा मुझसे। आप ही तो मैं नीचे नूर अम्मी बुला रही हैं। हाँ आती हूँ अभी। क्या हुआ शाम से? आपकी चेहरे की रंगत क्यों उड़ी हुई है? मैं सोफी को यहां बुला के अच्छा नहीं किया, और तुम्हें उसे यहां लाना बहुत महंगा पड़ेगा। आई प्रॉमिस यू। कितनी अच्छी लग रही है ना दोनों की जोड़ी। मेरी बात शायद तुम्हें बुरी लगे, लेकिन तुम मेरी बेटी की तरह हो। तुम जितना मर्जी समझौता कर लो, ये बात तुम्हें हमेशा तकलीफ देगी कि अब आफरीन जहांजेब की बीवी है। मेरा तुम्हें यही मशवरा होगा कि तुम ना जितनी जल्दी हो सके इस घर से चली जाओ, ये तुम्हारे लिए बेहतर रहेगा। जहांजेब और आफरीन को एक साथ देखकर मुझे जितनी भी तकलीफ हो, लेकिन मैं किसी और की तकलीफ का बायस नहीं बनना चाहती। बस एक बार जहांजेब के बच्चे को गोद में उठाना चाहती हूँ, उसे गले से लगाना चाहती हूं। इतना तो हक बनता है ना मेरा। उसके बाद मैं हमेशा के लिए आप लोगों से दूर हो जाऊंगी। बस ये एक चीज मुझे करने दे।
क्या मसला है? कल से मैसेजेस कर रहा हूं तुमको, तुम जवाब ही नहीं दे रही हो। मुर्तजा तुम जाओ यहां से वरना मैं चिल्लाऊंगी। हाँ जोर से चिल्लाओ ताकि मैं भी सबको बता देता हूँ कि तुम मेरी बीवी हो। पहले ही तुम्हारी वजह से उस दिन मुसीबत में पड़ गए थे, तुम आज फिर वही गलती दोहराना चाहते हो। अगर किसी ने देख लिया तो फिर मुसीबत में पड़ जाएंगे। अरे गलती तो उसी दिन हो गई थी जब मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई थी, बस ये नहीं जानता था उस वक्त कि इतना रुलाओगी तुम। रियली सॉरी, मेरा मतलब वो नहीं था। जो भी है पर हकीकत तो यही है ना, नूर अम्मी की मोहब्बत का कर्ज अदा करते करते न चाहते हुए भी मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया। क्यों कह रही हो तुम? लेकिन मुर्तजा खुदा गवाह है मैं कभी भी तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी। अरे क्यों ये सब बातें दोबारा दोहरा रही हो जो ऑलरेडी मैं सब जानता हूँ? बस पिछली बातें सब भूल जाओ, ये तो खुशी का वक्त है ना, तुम मेरी बीवी हो और किस्मत अब हमें एक कर चुकी है। थैंक यू मुझसे इतनी ज्यादा मोहब्बत करने के लिए। अखियां नूं रहण दे, अखियां दे कोल कोल।